लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वजीफा भी मिला है, अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए। शाबाश शाबाश, बहुत खुश हुए हम। ये तो आपके आशीर्वाद और सहायता का फल है, वरना मैं गरीब किस लायक था। लायक थे तभी तो इस लायक हुए। कब जा रहे हो अमेरिका? पिताजी ये तो कल ही चला जाए, लेकिन एक अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? जाने से पहले बहन की शादी करना बहुत जरूरी है। ये कौन सी अड़चन है? लड़का तलाश करो और शादी कर दो। लड़का तो मिल गया है, लेकिन दहेज मांगता है। कैसे लड़के हो तुम शेखर, तुम्हें हमसे कहने के बजाय खुद ही इंतजाम कर देना चाहिए था मुनीम से कहकर। मुनीम दे सरकार, हरवंश की बहन की शादी है, इन्हें जितने रुपयों की जरूरत हो फौरन दे दो। आज तक हरवंश की पढ़ाई और इनके परिवार पर पूरे 24,675 रुपए और 74 पैसे खर्च हो चुके हैं। हमने हिसाब नहीं मांगा, जो कहा वो करो। जाओ हरवंश, फौरन शादी का इंतजाम करो। मैं जन्म भर आपके एहसानों से दबा रहूंगा, जल्द से जल्द कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। ये कर्ज नहीं, तुम्हारे लिए हमारा प्यार है। वो शादी का दिन तय होते ही आपको खबर दूंगा। चलो राजा साहब, आपके विश्वास और प्यार ने मुझे आपके पास बैठने का अधिकार दिया है, इसलिए मुझे भी कुछ कहने का हक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। बादल बरस बरस के हल्का हो जाता है, लेकिन धरती मुस्कुरा उठती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है सोमनाथ। लेकिन राजा साहब, मैं शेखर और सुधा के जीवन को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। आपकी धर्मपत्नी और मेरी स्वर्गीय शारदा बहन ने अपने और मेरे दूर के रिश्ते को खत्म करके मुझसे वादा किया था कि मैं सुधा की शादी शेखर से करूंगी। हमने शारदा की इच्छा के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया। और सोमनाथ,
अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाने की तुम्हारी इच्छा को हम मान देते हैं, लेकिन उसे इस योग बनाना चाहिए तुम्हें, उसके रहन सहन, उसकी वेशभूषा पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें। सुधा के बारे में बेफिक्र रहे राजा साहब, लेकिन मुझे डर है कि आपकी ये दानवीरता कहीं शेखर को भिखारी ना बना दे। सोमनाथ, अगर औलाद लायक होगी तो बाप की शान में चार चांद लगा देगी, नालायक होगी तो उसकी बेशुमार दौलत को धूल में मिला देगी। लेकिन हम शेखर की योग्यता और उसके ऊंचे विचारों को अच्छी तरह जानते हैं। उसका हर कदम हमारे स्वभाव और हमारी मान मर्यादा के मुताबिक ही उठेगा। सुनिए, आप हरबंस का घर बता सकते हैं? गांव में जाकर पूछिए, कोई भी बता देगा। हाँ वो वही राजू, हाँ उस तरफ को, वो नहीं बाबा, हाँ वो, हाँ वही वही राजू, हाँ उस तरफ राजू, हाँ वही, हाँ हाँ वो हाँ राजू, अरे वो, अरे इधर इधर, नहीं वो हाँ, अरे नहीं बाबा वो नहीं, हाँ इधर आओ, इधर इधर, हाँ रे, हाँ बस आज और सताऊंगी तुझे, परसों तो चली जाऊंगी ना गांव छोड़कर। राजू तू चलेगा ना मेरे साथ? बोल चलेगा ना? चलेगा ना? कितनी बड़ी बड़ी आंखें, बंद करने पर और भी सुंदर। जरा सुनिए तो, आप हरबंस का घर जानती हैं? जिनसे शादी है? जानती हूँ। मुझे रास्ता बताएंगी? रास्ता क्या, घर ही दिखा दूंगी, आओ। अमिया खा रही हो? नहीं, नारियल। मीठी है? चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, जरा ठहरो, झूठी है। इसे खाओ। दूसरी भी ले सकती थी, उसे मैंने चक्कर नहीं देखा ना। ये है खैर। शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई बेटे, तुम जैसों की छाया में ही हम जैसे गरीब फलते फूलते हैं। भगवान तुम्हें महालक्ष्मी जैसी बहू दे और अपने पिता की तरह दान धर्म करते हुए 100 बरस जियो। अरे मुन्नी, यहाँ आना। अरे ये बंदरिया। बंदरिया? क्यों, क्या हुआ? ये तो मेरी बहन है। कुछ नहीं, ऐसे ही इनको मैंने बंदर के साथ देखा, इन्होंने ही घर का रास्ता बताया। अच्छा, तूने इन्हें यूं नहीं बताया तू मेरी बहन है? हैं भैया, जो जितना पूछे उसे उतना ही बताना चाहिए। इन्होंने पूछा हरबंस का घर जानती हो, मैंने कहा हाँ, घर के पास लाकर घर दिखा दिया। ये मेरा दोस्त शेखर है, ये लो पिताजी ने दुल्हन के लिए साड़ी भेजी। बेटे खैर, बेटी उनके पैर छो, साड़ी लेकर माथे से लगाओ। अरे ये क्या कर रही हो, ठहरो, ये लो। साक्षात महालक्ष्मी हो। मेरा नाम सिर्फ लक्ष्मी है। हरबंस जी। जी पंडित जी, दूल्हे को बुलवाइए। जी। ओम निधि नंद्वा निधि बदियावा। मोहन जी, पुरोहित जी बुला रहे हैं। दहेज
मेरा मतलब है 10,000 रुपये। हाँ हाँ, रुपया तैयार है, पहले शादी की रस्म पूरी हो जाए। नहीं भाई, दहेज पहले बाद में शादी। पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है हरबंस, अभी दे दो। लीजिए, आइए भाई साहब, संभाल कर रखना। फिर ये ना कहना कि जेब कट गई। हाँ हाँ, मैं सब कुछ संभाल के रखूंगा, तुम चलो अपना काम करो। देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता देवता क्या देवता। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो शैतान। इस धोखेबाज ने 10 दिन के पहले मेरी बहन से शादी की, उस वक्त का फोटो देखिए। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा? सौभाग्य से आप सब बच गए। इस समाज के दुश्मन ने दहेज के लिए धोखा देकर बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। इन लोगों का बहुत ही बड़ा गिरोह है। माँ, हरिवंश का है, मालूम नहीं कहां से पकड़ कर लाया उस लफंगे को। अरे सुनती हो, बात पक्की करने से पहले बड़ी छानबीन करनी पड़ती है। अरे जल्दी के काम ऐसे ही होते हैं। भगवान जाने किस पाप की कमाई का पैसा लगाया था ब्याह में, डुबा दिया बहन को। हाँ, बेचारी लक्ष्मी का ना जाने क्या होगा, कौन करेगा उस अभागन से ब्याह। किस बात की कमाई का पैसा लगा रहा था ब्याह में, अब क्या होगा बेचारी लक्ष्मी का, डुबा दिया बहन को। कौन करेगा उसका भागन से ब्याह, डुबा दिया बहन को। अब क्या होगा बेचारी लक्ष्मी का, कौन करेगा उसका भागन से ब्याह, अब क्या होगा बेचारी लक्ष्मी का। लक्ष्मी से मैं शादी करूंगा। पंडित जी आइए। नहीं नहीं शेखर, जोश में आकर ऐसा मत करो। जोश में नहीं, होश में रहकर मैंने यह फैसला किया है। शेखर, मेरी मेरी गुरबत को देखो और अपनी हैसियत का ख्याल करो। शेखर, जो इंसानियत को छोड़ दे वो हैसियत क्या, जो दोस्ती के हक को ना पहचाने वो दौलत क्या। लक्ष्मी को दिया हुआ मेरे धर्मात्मा पिता का आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा हरबंस, शादी इसी मुहूर्त में होगी। पंडित जी आइए, अपना काम कीजिए। माँ 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 माँ, देखो माँ, देखो माँ, हमारी लक्ष्मी की शादी हो रही है। आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो, देखो देखो माँ, हमारी लक्ष्मी की शादी हो रही है। माँ दूल्हा दूल्हा अपना शेखर है। माँ दूल्हा अपना शेखर है। माँ जो जीती है मेरे बच्चे, भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। मौजों की डोली चल रे, चल परदेश चली,
बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे मौजों की डोली चली रे चली परदेश चली बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे मौजों की डोली चली रे पनघट तक आई सखियां सहेलियां पनघट तक आई सखियां सहेलियां रह गई थी पल की छांव में सब पहेलियां छूट गई वो गली रे मौजों की डोली चली रे चली परदेश चली बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे मौजों की डोली चली रे नदिया धीरे बहो दुल्हन शर्माए नदिया धीरे बहो दुल्हन शर्माए मन हिच को ले खाए घूंघट ना खुल जाए पवन बड़ी मन चली रे मौजों की डोली चली रे चली परदेश चली बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे मौजों की डोली चली रे राजा साहब ये धोखा है दगा है बंदूक लीजिए शूट कर दीजिए सोमनाथ अब मैं खामोश नहीं रह सकता राजा साहब शेखर ने मेरी बेटी की खुशियों का गला घोर दिया उसके ख्वाब लूट लिए और इस लड़की के चालाक भाई ने आप ही के पैसे लेकर आप ही के बेटे को लूट लिया कल वो आपकी दौलत लूटेगा लुटेरा मेहरबानी करके आप किसी को दोष मत दीजिए ये फैसला मेरा था मेरा है अजय ये फैसला नहीं साजिश है आप खामखा बोलते जा रहे हैं मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे खानदान की इज्जत में बट्टा लगे पिताजी मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया आपकी उदारता और दयालु स्वभाव का सहारा लेकर मैं टूटती हुई शादी की वेदी पर बैठ गया ऐसे मौके पर तुम लाख दो लाख रुपए देकर किसी अच्छे लड़के से शादी करा सकते थे लेकिन तुमने अपने आप को अर्पण कर दिया अपनी मर्यादा अपनी परंपरा को भुला दिया भैया भैया बीच में दखल दे रही हूं बुरा मत मानना भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता बहुरानी लक्ष्मी जैसी है अब यही इस घर की बहू बनेगी मुनिम जी अपनी पत्नी को बुलाओ जी। बहुरानी इस घर की मर्यादा के मुताबिक घर में प्रवेश करेगी बेटा शेखर बहू को अंदर ले आओ हाँ
भगवान राम तुम दोनों को सुखी रखे। हंस क्यों रहे? ऐसे ही अपनी शादी का ख्याल आ गया। तो इसमें हंसने की क्या बात है? लक्ष्मी, हमारी शादी भी एक कहानी जैसी है। गया तो था अपने दोस्त की बहन की शादी में शरीक होने और वहां खुद दूल्हा बन बैठा। सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान का सोचा होता है, यही इच्छा थी उसकी। ए, उस दूल्हे के बदले इस दूल्हे को वेदी पे बैठा देखकर क्या हालत हुई होगी तुम्हारी? क्या होती? मैं लड़की हूं, शादी होने के बाद ही लड़की किसी को अपना मानती है, उसे प्यार करती है। अच्छा, हाँ मेरी ही बात लीजिए। दो तीन लोग मुझे देखने आए, एक ने दहेज मांगा, दूसरे की दूसरी शादी थी, माँ ने मना कर दिया। कुछ भी तो बुरा नहीं लगा मुझे। सच कहो, वो दूल्हा तुम्हें अच्छा लगा था ना? मैंने कहा ना, शादी के बाद ही अच्छा लगता है। अच्छा, वो दूल्हा पसंद किसने किया? भैया ने, उनकी जान पहचान का था। तुमने उससे बात की? एक बार सिनेमा देखने गए थे, भैया भी साथ थे। क्यों? ऐसे ही पूछ बैठा। Thank you.
घर की बहू ये ज्योत जलाती है, उस मंदिर में जीवन ज्योति जगमगाती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी बहुरानी। ये गहने कुएं में से निकले। गहने कुएं में से? कलसा गिर गया, कांटा कुएं में डाला तभी गहने निकले। ये तो भगवान के गहने हैं। हमारे कमरे में रखी तिजोरी में से ये गहने कुएं में कैसे पहुंचे? मेरे ख्याल में बाहर से उड़कर आए किसी नए पंछी का कमाल हो सकता है। घर में कोई नया नौकर भी नहीं रखा गया और फिर कोई मेहमान भी नहीं आया। नहीं नहीं लक्ष्मी बहन, आई है ना। कहने क्या चाहती हो, लक्ष्मी ने चोरी की है? नहीं नहीं सुधा का ये मतलब नहीं है शेखर बाबू। अक्सर ये देखा गया है कि गरीब घर की लड़की बड़े घर में आकर अपने गरीब माँ बाप का घर भरने लगती है। सोमनाथ, लक्ष्मी पे शक करना अपने पे शक करना है। तो फिर तिजोरी खोली किसने? कभी कभी राजा साहब खोलते हैं, या साल में एक आध बार मैं खोल लेता हूँ, वो भी किसी न किसी के सामने, या फिर रुपए पैसे के लिए मुनीम जी खोलते हैं। राजा साहब की जानकारी के बगैर तिजोरी खोलना तो क्या, मैं तो कमरे में भी नहीं जाता। तो फिर किस पर शक है आप लोगों का? जिसका गहनों से संबंध आता है। संबंध? संबंध पुजारी का? बात बिल्कुल साफ है राजा साहब, पुजारी की जानकारी के बिना गहने कुएं में नहीं गिर सकते। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे प्रभु रामचंद्र, छी छी छी, भगवान की आड़ में इतनी बड़ी चोरी। आज पता चला कि तुमने भगवान का नाम लेकर ये लाखों रुपए के गहने क्यों बनवाए थे। ढोंगी। मैं ढोंगी? ऐसा मत कहिए। हाँ हाँ, तुम ढोंगी हो, चोर हो। सोचा होगा कुछ दिन गहने कुएं में छिपा कर रख दूंगा और मौका पाते पार कर दूंगा। मुनीम जी, हाँ बुलाओ पुलिस को। पिताजी माफ कीजिए, हमारे गहने हमें मिल गए। झूठ और सच को तो भगवान ही जानता है। पुजारी जी को पुलिस के हवाले मत करिए, जो जैसा करेगा भरेगा। ठीक है भैया, पुलिस को बुलाकर छानबीन करने से क्या फायदा, भगवान दोषी को सजा देंगे। भैया लक्ष्मी स्वरूप बहुरानी घर में आई है, इस समय किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं। राजा साहब, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, बड़ा चोरी का एक कलंक क्यों लगता मेरे माथे पर। अगर आप और बहन जी मुझ पर किसी तरह का संदेह ना करें तो यही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे आज्ञा दीजिए, इस कलंक को लेकर मैं अब और यहां नहीं रह सकता। महालक्ष्मी, आज तुम्हारी दया से छूट गया, जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। बाप रे, बच गए, सर पर आई बला टल गई। जवाब नहीं तुम्हारी अकल का,
कहते थे कि भगवान के गहने कुएं में डाल देंगे और जब वो गंवार उसे निकालेगी तो चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल देगी। हाँ कहा था, लेकिन क्या किया, उस बेचारे पुजारी को निशाना बना दिया। ऐसा नहीं करता तो मुझे जल की सलाखें गिननी पड़ती। मैं बेवकूफ था जो तू जैसे बेवकूफ से सलाह ली। हाँ, फिक्र क्यों करते हैं, कभी कभी निशाना चूक जाया करता है। छोड़ना, अब ये बता कि लक्ष्मी को घर से बाहर कैसे निकालें। अब इस बात में हमारा अकेले का तो दिमाग नहीं चलेगा। फिर उसके लिए खास दिमाग है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो कौन है? नारायण को देखेंगे? नारायण को ही देख रहा हूं, ऐसे दिखता है जैसे आकाश में खून हो गया हो। ड्राइवर डिक्की खोलो। किराए का टट्टू, कितना समझाया नारायण, तुम्हारा दुश्मन एक दे रहा है, तुम सवा दे दो, सीट पर बिठा देंगे तुम्हें। लेकिन तुमने डिक्की में सोना पसंद किया। सेक्रेटरी, वेलकम वेलकम वेलकम। विराजी, देखिए साहब, शादी रोकना आसान है लेकिन शादी के बाद पत्नी से पति को जुदा करना बहुत मुश्किल काम है। 1,00,000 रुपए लूंगा। 1,00,000? 1,00,000? लाख की तो बात है, दूंगा। 1,00,000 रुपया तो पेशगी है श्रीमान, एडवांस। कितना लूंगा ये तो काम होने के बाद बताऊंगा। कोई बात नहीं, बाद में तय कर लेंगे। सेक्रेटरी जी। सरकार मालिक। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, पहली मुलाकात है। क्यों सोमनाथ जी? जी ऐसे क्या देखने लगे? औरत भी क्या चीज बनाई है भगवान ने, ऋषि मुनियों के मन डोल जाते हैं।
कुछ न हुआ तुझे बाबू ये घुंघरू स्टेट बंगला है। ए, कुछ दिन हम यहीं ठहरेंगे। बाहर दुले, जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अजी जेल की तकलीफ और आराम से आपको क्या फर्क पड़ता है ठेकेदार साहब? अबे 6 साल की सजा 6 महीने में बदलवा दी, और क्या चाहता है? छोड़ इस बात को, अपन को तुझे एक खास काम है। क्या फिर कोई नई शादी करानी है? शादी नहीं, जुदाई करानी है, सेपरेशन। 1 लाख रुपए दूंगा और असली शादी भी करा दूंगा। जिस लड़की को पति से जुदा करना है वो तेरे लिए नई नहीं है, वही लक्ष्मी है जिसकी वजह से तू जेल गया था। क्या फिर जेल भेजने का इरादा है? मेरे रहते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं, घबरा नहीं पट्टे। हेलो 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 पिताजी। आओ लता बेटी, कैसी हो? कवरत्ना कैसी रही तीर्थ यात्रा? अपने भगवान को घर में छोड़कर तीर्थ स्थानों में घूमती रही, शरीर वहां था और मन यहाँ। अब ये बता, मथुरा देखी? हाँ पिताजी, माताजी कहते हैं आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
लो प्रसाद। अरे इसी प्रतिव्रता के बल पर तो अपना सारा कारोबार चल रहा है, क्यों मोहन? मोहन अब तुम चलो, सेक्रेटरी से बात करके अपने काम पर लग जाओ। हा? जी नमस्ते। नमस्ते। क्यों जी, मोहन कैसा रहेगा अपनी लता के लिए? बात अपनी बेटी की शादी ऐसे हरे गहरे नत्थू गहरे के संग। अरे अपने लड़का तलाश भी कर लिया है अपनी बेटी के लिए, अमेरिका में पढ़ता है। ठीक है, जिससे भी करो लेकिन जल्दी शादी करो। माता जी प्रणाम, यहाँ सब सकुशल हैं, आप भी कुशल पूर्वक होंगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे चौथा महीना लगा है। चौथा महीना? ए, मुझसे क्यों नहीं कही ये बात? शर्मा माँ को लिखने में शर्म कहाँ गई? माँ औरत है। अच्छा तो मर्द को ये बता दो क्या होगा? लड़का। नहीं लड़की। नहीं लड़का। नहीं लड़की। आप ही फैसला। कैसे? आंखें बंद करो। ये लो कर ली। एक थाली में लड्डू है और एक में जलेबी। नहीं 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 बेईमानी नहीं, लड्डू उठाया तो लड़का, जलेबी उठाई तो लड़की। ये बात है। ये लो। तो लो ना पापा ना। ठहरो मैं बताता हूँ। देखो तो कौन है। कौन है? हेलो लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ मैं तुम्हारा मोहन हूँ डार्लिंग, मोहन। क्या कहा? तुम्हारे पति आए? हाँ हैं। सो गए? अभी नहीं। ओह आई एम सॉरी, फिर फोन करूंगा। गुड। कौन था? कोई मोहन था। मोहन? हाँ पूछता था आप हैं, मैंने कहा है, फिर पूछा सो गए क्या, मैंने कहा नहीं, बस फिर फोन रख दिया। कौन हो सकता है ये मोहन? कहीं ये वो तो नहीं जो तुमसे शादी रचाने आया था? हाँ उसका नाम भी मोहन था। किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, सोच रहा था लड़का होगा या लड़की, लेकिन मुझे लगता है दोनों होंगे। समझ गया, ये उसके पांव के पास ही गिरना चाहिए। क्या मोटर आ रही? भाग भाग। बदमाश सुनने कहां जाएगा तू भागकर? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज। गुंडे लफंगे चोर साला हरामी, छोटी खबर, मैं तेरी जान निकाल दूंगा। अरे रे रे, बच्चे को क्यों पीट रहे हैं आप? शेखर बाबू एक हफ्ते से देख रहा हूँ, ये चोटा चुपके चुपके महल में घुसने की कोशिश करता है और मुझे देखकर भाग जाता है। आ जाया है पकड़ में। बोल ठहर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज, देख लेता हूं। प्यारी लक्ष्मी को प्यारी लक्ष्मी, मुझे तुम इस तरह क्यों सता रही हो? आधी रात को फोन करता हूं तो कह देती हो आऊंगी आऊंगी, खत लिखता हूं तो यही लिख देती हो आऊंगी, ना खुद आती हो ना मुझे आने देती हो। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। आज रात को ठीक 11 बजे फोन के पास रहना, तुम्हारा ही मोहन। एक बार सिनेमा देखने गए थे, भैया भी साथ थे। क्यों?
11 बज रहे हैं, सोएंगे नहीं? आजाद को ठीक 11 बजे फोन के पास रहना। दूध ठंडा हो गया है, जरा गर्म कर लाओ।
जाने की आहट आ रही है। लक्ष्मी बोलो आप क्या करें। मैं भंग कर दिया ना मैंने, बेवक्त आ गया ना मैं। जरा जरा मेरी बात तो सुनिए। मैं बेखबर सो रही थी, वो अंदर क्यों आया, कब आया, कैसे आया, यही कहोगी ना तुम? हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा यकीन कीजिए। वो उन पे जो कानों से सुना वो झूठ था, आज खुली आंखों से देखा है वो भी झूठ है। आंखों से देखा कानों से सुना झूठा हो सकता है? झूठ क्या है और सच क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दोष तेरा नहीं मेरा है। मैंने अपनी मान मर्यादा घराने की इज्जत को भूल के तुझसे शादी की। तेरे असली रूप को पहचाने बगैर बुआ और पिताजी ने तुझे महालक्ष्मी मानकर स्वीकार किया। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। बिना सोचे समझे कोई फैसला मत कीजिए। बिना सोचे समझे फैसला मैंने उस वक्त किया जब तेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन अब तेरे इस चरित्र को देखकर आंखें बंद नहीं कर सकता। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो इस शर्मनाक कहानी को यही खत्म कर दो। इस बात को हमेशा के लिए इसी कमरे में दफना दो। अगर पिताजी को यह बात मालूम हो गई तो उनका दिल बैठ जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेंगे। तुम्हें कल सुबह ही यहां से जाना है, हंसते हुए जाना है, ताकि पिताजी को किसी तरह का शक ना हो। वो यही समझे लक्ष्मी अपने मायके जा रही है, और यहां से जाने के बाद अगर इज्जत नाम की कोई चीज तुम्हारे पास हो तो उसी अपने गांव की नदी में डूब मरना। कुछ दिनों बाद दुनिया से कह दूंगा लक्ष्मी गुजर गई। ये शेखर हर काम में जल्दबाजी करता है। पहले शादी देखने का मौका नहीं दिया और अब सोचा था बच्चे के जन्म की खुशी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। पूर्णिमा कितनी खूबसूरत लग रही है इन गहनों में हमारी बबरानी। पिताजी मुझे गरीब को ये गहने किस लिए? ये तुम्हारा बड़प्पन है बबरानी कि तुम अब भी अपने आप को गरीब कह रही हो। इस घर में आने से पहले तुम चाहे जाती थी लेकिन आज गरीब नहीं, इस घर से बेशुमार धन दौलत की मालकिन बन के जा रही हो। और फिर ये गहने तुम्हारी शोभा नहीं, तुम इनकी शोभा हो, इस घर की इज्जत हो। जी देर हो रही, गाड़ी तैयार है? जी मालिक। ए गाड़ी लाओ। तू दो नहा वो तो फलो। पुत्रवती भव, Thank you.
बेटी लक्ष्मी, शायद शेखर को तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लग रहा है। जहां तक हो सके मैं किसे जल्दी वापस लौटाना। जा। मुनीम जी, जी बहुरानी, ये गहने घर ले जाइए। जब छोटे मालिक अकेले हों उन्हें सौंप दीजिए। ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजा साहब ने कहा था। मैंने जैसा कहा वैसा कीजिए। बहुत अच्छा बहुरानी। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? राजा साहब ने कहा है कि आप थोड़ी देर यहां आराम करके जाएं। हेलो हेलो हेलो, आओ लक्ष्मी आओ। देखा मोहन, लक्ष्मी तुम्हें खोजती हुई उस टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने आई है। जाओ उसका स्वागत करो। जयवान। आप तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता। अगर आगे कदम बढ़ा तो। झोंककर अपने प्रेमी के साथ भाग गई और गहने भी ले गई। जी हाँ राजा साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो छिप छिप कर एक आदमी से बातें किया करती थी, कभी मंदिर में, कभी बागीचे में, एक दिन टेलीफोन पर। पिताजी ये सच है? शेखर, ये तुम कह रहे हो? मैंने परसों रात ही उसके असली रूप को देखा। वो इस घर के लायक नहीं, मैंने उसे निकाल दिया।
उस उल्टा को इस घर की बहू बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है पिताजी। आज से माफी मांगने का भी मेरा मुंह नहीं रहा। शेखर बाबू, एक बेवफा लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई और जहर घोल के चली गई। अपनी सेहत का ख्याल करो। सुधा पहले भी तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी है। उसके साथ शादी करके सुख चैन की जिंदगी बिताओ। हमारे कहने का मतलब यह है कि घर की जायदाद घर ही में रहेगी। तुम्हें जितनी जायदाद चाहिए ले लो। सुधा की शादी किसी और लड़के से करा दो। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। पुजारी जी, लक्ष्मी देवी के जुड़ो बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। हे प्रभु, तेरी लीला। एक थाली में लड्डू है और उसमें चले। लड्डू उठाए थे लड़का, जलेबी उठाए थे लड़की। अच्छा अच्छा, ये बात है। ये लो दोनों। ना बाबा ना। हेलो हेलो हेलो, अपन मिलने ही आ रहा था आपसे। मैं खुद ही आ गया। कहो क्या खबर है? खबर ये है सोमनाथ जी कि आप बहुत तेज निकले, अपना उल्लू सीधा कर लिया और अपन को उल्लू बना दिया। वो कैसे? अपन ने शेखर और लक्ष्मी को अलग किया, ठीक? हाँ ठीक। कंट्रैक्ट के मुताबिक अपन को 2 लाख रुपया मिलना चाहिए। 2 लाख। 1 लाख की बात थी, 1 लाख मैंने तुम्हें दे दिया। वो तो पेशगी थी सोमनाथ जी, 2 लाख और दीजिए। 2 लाख? सरकार, इज्जत का सवाल है। दुनिया को पता चल गया तो सुधा से कोई शादी भी नहीं करेगा। अपन की बात मान लो, सुधा की शादी भी करवा दूंगा। तो ठीक है, शेखर से करा दो उसकी शादी। अपनी लड़की को चेक इन हैंड लड़के को देना चाहते हैं? जी 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 जी, घटिया ख्याल है। अपन के पास शेखर से भी बढ़िया लड़का है। शेखर से बढ़िया? जी हाँ, शेखर से भी सुंदर, सुशील, अमेरिका में कारोबार, बेशुमार पैसा है, करोड़पति। वो मेरी लड़की से शादी करेगा? लड़का अपन की मुट्ठी में है, पर उसके लिए आपको भी कुछ ढीली करनी पड़ेगी अपनी मुट्ठी। मालिक, करोड़पति लड़के के लिए 2-4 लाख का मुंह क्या देखना। करोड़पति सेक्रेटरी। राजी खुशी शादी हो गई। अब पैसा? वो तो मैं पहले दे चुका हूँ। वो तो दहेज था सोमनाथ जी। अपन अपने पैसे के बारे में बोल रहा है। लो। जमाई राजा, मेरी बेटी सुधा बिन माँ के इकलौती बेटी है, इसका ख्याल रखना। घोड़ा बोलता है। भगवान, मेरी सारी खुशी उन्हें दे दो। उनके बच्चों में उनका रूप देखकर जी रही हूँ मैं। ना बेटी, मैं शांति को मंदिर ले जाता हूँ।
अरे दे 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 लो बेटी, हनुमान जी को फूल चढ़ाओ। जाओ बेटी, जा, आ, आ, आ। क्या बजरंग बली, हनुमान जी मेरा भैया रामू बड़ा शैतान हो गया है। माँ को बड़ी चिंता लगी रहती है, जब देखो गुल्ली डंडा खेलता रहता है। उसे सुधार दो ना भगवान, तीन बार मारूंगा और खटक को जा दूंगा। हनुमान जी, मैंने रामायण की कथा में सुना है कि तुम्ही ने पता लगाया था सीता जी लंका में हैं। मेरे पिताजी का भी पता लगा दो, मालूम नहीं वो कहाँ है। माँ बड़ी दुखी रहती है उनके लिए। मेरे क्लास की गोपी को उसके पिताजी रोज साइकिल पर बिठा के लाते हैं। मेरा भी जी कहता है कि पिताजी मुझे साइकिल पर बिठाकर रोज स्कूल आया करें। मेरी ये बात पिताजी से क्या देना, हाँ, और ये भी कहना कि मैं उन्हें बहुत बहुत याद करती हूँ। रामू, शांति नहीं आई? हनुमान जी के पास बैठी बड़बड़ कर रही होगी। अरे अंधेरा हो रहा है, तुम उसे अकेली छोड़े, डरने लगेगा उसे। आ जाएगी वो, मुझे खाना दो। बेटी जी, तुम रामू को खाना दो, मैं शांति को देख कर आता हूँ। एकदम अंधेरा हो गया, ना मुझको छोड़कर चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा है हनुमान जी, अब मैं कैसे जाऊंगी। हनुमान जी, आप? हाँ बेटी, डरो नहीं, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें घर। कितने अच्छे हैं आप। चलो बेटी। शांति, देखिए वो मेरे बाबा आ रहे हैं। शांति बेटी, अकेली आ रही है, तुझे डर नहीं लगा? अकेली कैसे, ये हनुमान जी है ना मेरे साथ। कहाँ है? ये खड़े हैं ना हनुमान जी, ये मेरे पापा है। तुम पुण्यात्मा हो बेटी, मैं भगवान के मंदिर में रहकर भी उनसे दूर, उनके दर्शन का मुझे सौभाग्य कहाँ। चलो बेटी, माँ तेरी राह देखती होगी। अच्छा हनुमान जी, कल को बहुत सी बातें पूछूंगी। चलो बेटी। चलो। माँ, वो आ रहा है। क्यों बेटी, कहाँ रह गई थी इतनी देर? माँ, रास्ते में मुझे बहुत डर लगा, मेरी मदद के लिए समय पर हनुमान जी आए। बाप रे, तेरी मदद के लिए हनुमान जी, खूब बंडल मारती है। सचमुच रामू, हनुमान जी ही मुझे यहाँ तक ले आए। जा जा, कहीं हनुमान जी साथ आते हैं। सच ना मानो तो बाबा से पूछ लो। रामू, पुण्य आत्मा की मदद भगवान हमेशा करते हैं। लक्ष्मी, प्रभु राम प्रसन्न है तेरी संतान पर। आओ चले। Thank you.
आदमी की बीबी आई है। यहाँ तुम आओ बस। आज अपन ने भी उससे बोल दिया है। क्या फिर कभी आई तो टिक्की में शुला दूंगा। अच्छा किया, अच्छा किया। लेकिन वो ऐसी मानने वाली नहीं। अपन का तो कहना है कि उसे कुछ देकर हमेशा के लिए पिंड छुड़ा लें, नहीं तो अपन तो आप दोनों के झमेले में ऐसे ही फिस रहा है। सारा कारोबार ठंडा पड़ गया है। सोमनाथ जी, भगवान के कहने अपन को दे दे, फिर कभी नहीं आऊंगा। क्या क्या कहा? भगवान के कहने? हाँ, मुझे नहीं मालूम वो भगवान के कहने का है। आपको क्या पता है क्या नहीं, अपन को सब पता है। वो गहने कल तक अपन के पास पहुंच जाने चाहिए, वरना तुम्हारी उस आदमी की बीवी को डिक्की में सुला दूंगा और उसके सीने पर वो फोटो रख दूंगा। याद रखना, अपन का नाम भी गोपाल दास चौरसिया है, समझे? प्रभु, इंसान तुम्हारा ही रूप है ये समझकर मैं उस पर विश्वास करता रहा, लेकिन आज मैं अपने ही घर में पराया हूं। अपने इन गहनों की आप ही रक्षा करो प्रभु। क्या सोचा करते थे, क्या हो गया? बहू चली गई, बेटा दुखी मन से जीवन बिता रहा। मेरी आत्मा कहती है कि मेरी बहू गंगा जल की तरह पवित्र। दुनिया से मन ऊब गया, जिंदगी भारी हो गई। यहां रहने से तो कहीं चले जाना अच्छा है। अगर आपके पास पैसे होते तो आप खरीद कर खाते। क्यों जी, आपको सिगरेट पीना अच्छा लगता है? आदत पड़ गई। कहते हैं सिगरेट पीना दिल के लिए अच्छा नहीं। आपको सिगरेट पीना अच्छा लगता है? आप मेरी बात से नाराज हो गए? नहीं, आज से सिगरेट पीना बंद। ये लीजिए, अंबिया खाइए। नहीं नहीं, ये झूठी है। ये लीजिए। इसे खाओ। खाइए ना। 10 पैसे के 3 खरीदे माने, एक मेरे लिए, एक भैया के लिए और एक बाबा जी के लिए। बाबा जी के लिए? हाँ, वो है तो बुढ़े, पाल एकदम सब
सफेद पर उनकी मूंछ सफेद नहीं है, जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी मूंछ ही नहीं है। है, रख लो। नहीं नहीं, बच्चों को पैसे नहीं लेने चाहिए, सब कुछ मेरी माँ खरीद कर देती है। जब पिताजी आएंगे ना, तो खरीद कर देंगे, जल्दी आएंगे मेरे लिए साइकिल लेकर। अच्छा अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। हाँ
दादा दादा आप प्यासे हैं? मेरे पास है पानी, लीजिए पीजिए। दल में इस वक्त पानी कभी भी नहीं आता, और पीजिए, कूल में पानी भर के रखते हैं। बस बेटी, किसकी बेटी हो तुम? माँ की। क्या नाम है तुम्हारा? शांति, छोटी क्लास बी सेक्शन। अच्छा, अच्छा मैं जाती हूँ, घंटी बज गई। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब तरह के पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता वो उसे नहीं मिला करते। अच्छा आगे का कल सुनाऊंगी, बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया है। ठीक है, जाते जाते एक लौकी तोड़ के ले जाना। माँ की तरफ आंख उठाकर देखना भी पाप है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसका मार दूंगा। नहीं बेटे, छोटे बड़ों की बात माना करते हैं, इसे अपने किए की सजा मिल गई। चलो अपने घर चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो चलो। बेटी बड़ा बहादुर है तुम्हारा बेटा, उस हट्टे कट्टे आदमी की ऐसी बड़ा। बेटी मुझे प्यास लगी है। राजा साहब, आप पानी। दादाजी आप? दादाजी, तुझे कैसे मालूम बेटी? मैंने जानती हूँ। अरे क्यों बंडल मारती है? आया था मेरे साथ और कहती है मैं इन्हें जानती हूँ। मैंने जानती हूँ, दोपहर को हमारे स्कूल के पास आए थे, मैंने इन्हें पानी पिलाया था। दादाजी ये मेरी माँ और ये मेरा छोटा भाई। मैं और तेरा छोटा भाई? बड़ा भाई क्या बड़ा भाई? नहीं रामू, रामू शांति तुम दोनों भाई बहन एक साथ पैदा हुए हो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। चलिए अंदर चलिए।
आओ। बेटी, दशरथ की तरह हम शरीर तो न छोड़ सके, घर छोड़ दिया। ऐसा लगता है इतने अरसे के बाद भोजन कर रहे हैं। दादाजी, मिर्चे ज्यादा पड़ गए क्या? नहीं बेटे, खाना बहुत स्वादिष्ट है। फिर पानी क्यों आ गया आंखों में? तुम्हें देखकर, तुम्हारा प्यार पाकर। सुख और संतोष पैसे वालों के पास नहीं, महलों में नहीं, इन छोटे छोटे घरों में है। दूसरे का सुख दुख समझने वाले दिलों में है। बेटी, हम भी कहीं रह जाए तुम्हारे पास? आपका कोई अपना नहीं है, तुम हो ना हमारे। जैसे माप के वैसे घर आपका शौक से रही है। हाँ हाँ, शौक से रही है। चलिए चलिए। शांति, चलो सोने का समय हो गया, चलो। आ गए। चलो। राजी खुशी है बेटी, हम सब तरफ से बर्बाद हो गए। तुम जैसी देवी को घर से निकालते ही उस घर की सुख और शांति चली गई। पूर्णिमा चल बची, घर एक शमशान सा बन गया, भूत पिशाचों ने डेरा डाल रखा है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ पुजारी, कोई गोपाल दास चौरसिया नाम का ठेकेदार है, मालूम नहीं घर में कैसे और कब पैर जमाया उसने। आज वहां उसी का राज चल रहा है। पिताजी। बेटी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, घर चलो, उन बदमाशों को निकाल बाहर करेंगे। तुम्हारे घर में पैर रखते ही सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तरफ से हम समझाएंगे शेखर को। सिफारिशों से जिंदगी नहीं सुधरती पिताजी, परिवार नहीं सुधरते। माफ कीजिए पिताजी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आ सकती। वो जब तक मुझे निर्दोष समझ के खुद लेने नहीं आएंगे, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी बेटी, पति पत्नी के बीच ये जिद अच्छी नहीं। ये जिद नहीं पिताजी, एक औरत की कमजोरी की आवाज है। उस दिन उन्होंने मुझे कुछ कहने की मोहलत ही नहीं दी, आपको सब कुछ बताने से भी इनकार कर दिया। मैं इस छोटे पाप के बोझ को उठाकर मां और दुनिया से मुंह छुपाकर इस कुटिया में सांस ले रही हूँ, जी रही हूँ। वो भी अपने लिए नहीं, आपकी जायदाद के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आज हमने तुम्हारे मन की वेदना को समझा है बेटी, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही चलो। बच्चों को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, बस पिता कहने का सौभाग्य नहीं मिल रहा उन्हें, जिसके लिए वो हमेशा तरसते रहते हैं। कम से कम हमारे लिए घर चलो लक्ष्मी, वरना हम भी तुम्हारे बिना घर नहीं जाएंगे। आप भी यहीं रह जाइए, मैं आपकी भी सेवा करूंगी, समझूंगी, समझूंगी। मेरे तीन बच्चे हैं।
लगते हैं पिताजी, लेकिन वैसे बहुत बुरे आदमी है। नहीं रामू, बहुत अच्छे हैं। मैंने उन्हें देखा है। कहाँ देखा तूने? बंडल मारती है। बंडल नहीं मारती। एक दिन वो नहर किनारे बैठे थे, मैंने उन्हें अंबिया दी और उन्होंने मुझे पैसे दिए। अब तुमने ले लिया? वाह, मैं क्यों लेती? शाबाश, बहुत अच्छा किया। हाँ, तूने घर क्यों नहीं लाई? मैं क्यों उन्हें जानती थी? आज फोटो देखा तो समझी कि वो ही हमारे पिताजी हैं। रामू, हम उनके पास चलेंगे और उन्हें जबरदस्ती घर लाएंगे। अरे कलमार, तू रहती कहाँ? ये तो मालूम ही नहीं। वो हम बताएंगे बेटे। दादाजी आप डरो नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे कहने के मुताबिक करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। रामू, एकदम अंधेरा है, मेरे साथ चलना। अरे डरते क्यों है, तेरा भाई है तेरे साथ, चल। माँ, हम पिताजी के पास जा रहे हैं। चिंता मत करना, हम जल्दी ही पिताजी को लेकर आ जाएंगे। रामू, शांति। पिताजी, चिंता मत करो बेटी, वो दोनों हमारे आशीर्वाद से गए, भगवान उनके साथ हैं। ठेकेदार गोपालदास चौरसिया की जय। ठेकेदार गोपालदास चौरसिया जिंदाबाद। ठेकेदार गोपालदास चौरसिया की जय। शांति, कहीं यही तो ओ ठेकेदार गोपालदास नहीं, वही होगा। चल देखें, चलो। शांति, मैं इस ठेकेदार के पास आऊंगा, तुम आ जा। वो तुझे रख लेगा, तू देखती जा, उसका बाप भी रखेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। साहब, ये रुपयों की गाड़ी वहाँ पड़ी थी, शायद आपकी है। गुड बॉय, गुड बॉय। सेकंड। हेलो हेलो हेलो। लो। नहीं नहीं, मुझे रुपया नहीं चाहिए, नौकरी की जरूरत है। नौकरी तो अपन के पास नहीं है बेटा। रख भी लो बेचारे को, ईमानदार लड़का है। हाँ, ईमानदार। चल बैठ जा गाड़ी। जी, जी। मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है? जी हाँ, एक दिन आप हमारे गांव में आए थे, नहर के किनारे बैठे थे, मैंने आपको अंबिया दी थी। हाँ हाँ, याद आया। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? फोटो देने, आपका उस दिन गिर गया था। आप फिर सिगरेट पीने लगे, दिन तो कहा था मैं नहीं पीऊंगा। कहा था, लेकिन अब मेरे अकेलेपन का यही एक साथी है। आपके माँ बाप, पत्नी कोई नहीं है? है, लेकिन कोई नहीं। फिर आप भी मेरे जैसी। मेरे भी सब है पर कोई नहीं। मेरी एक बात मानोगी? कहिए। तुम मेरे साथ रहो। रहूंगी, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही रहना होगा आपको। हाँ रहूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहो। अच्छा, मैं आपको क्या क्या कर पुकारूं? जो तुम चाहो। आप मेरे पिताजी जैसे हैं, मैं आपको पिताजी पुकारूंगी। मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? जब आप मेरे पिताजी तो मैं आपकी बेटी।
अब जल्दी से दाढ़ी बनाइए, जैसे फोटो में दिखते वैसे दिखना चाहिए। अरे वाह वाह बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतनी अच्छी रंगोली बनाई है, मेरी माँ ने सिखाई है। आओ चलें। पिताजी भगवान के दर्शन नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। आओ क्या बजरंगबली? ये क्या है? अरे ये तो भगवान के गहने हैं, यहाँ कैसे आए? ऐसा करते हैं शांति, तुम ये गहने अपने हाथों से भगवान को पहनाओ। जाओ। अच्छा। कितना अच्छा श्रृंगार है पिताजी। हाँ आओ चले, पहले नमस्कार करो। ओ हेलो 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 मुनीम साहब, आओ, तुम बिना वजह यहाँ फटकने वाले पंछी नहीं हो, जरूर कोई खास बात है। खास ही बात है, जरा अकेले में बात करेंगे। इस लड़के के सामने कोई हर्ज नहीं, अपना ही बच्चा है, बहुत भरोसे का है। बैठो बैठो। सोमनाथ कैसे हैं? उन्हीं की बात करने आया हूँ। बिल्ली के भाग से छीका टूट गया और राजा साहब घर छोड़कर चले गए। क्या राजा साहब घर छोड़कर चले गए? और सोमनाथ की गुट्टी चढ़ गई। शेखर बाबू तो नाम के राजा है, बाकी धन दौलत पे तो सोमनाथ का ही अधिकार है। अगर आप चाहे तो अपने भी हर महीने की मांग बढ़ा सकते हैं। वाह वाह, क्या सुंदर समाचार सुनाया है, कलेजा ठंडा कर दिया। जरा मेरा भी कलेजा ठंडा हो जाए। बर्फ का पानी मंगाओ। मजाक छोड़िए, कई दिनों से आप कहते आ रहे हैं, एक देने के वादे करते आ रहे हैं। क्या देने? मेरा हिस्सा। हिस्सा कैसा? राजा साहब के बेटे शेखर और लक्ष्मी को अलग कराने के लिए मैं ही तो सोमनाथ को लाया था आपके पास, उसमें का हिस्सा। कितने वादे किए कि भगवान के गहने ला दूंगा? गहने ला दो, अपन तुम्हें हिस्सा दे दें। हेलो, कौन बोल रहा है? शांति मैं हूँ, मैं रामू बोल रहा हूँ। ओ रामू, तुझे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बड़े मजे में हूँ, सेक्रेटरी हूँ उसका। एक खास बात कहने के लिए फोन किया तुझे। अच्छा क्या खास बात? ओ मुनीम है ना, मुनीम बड़ा खतरनाक आदमी है, दिखता तो अच्छा है, आस्तीन का साफ है, उसने ही हमारे माँ बाप को अलग करने में सोमनाथ की मदद की है। बड़ा धोखेबाज है, उसका यकीन मत करना। शांति, पिताजी कैसे हैं? बहुत अच्छे, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे एक पल भी अलग नहीं रहते। शांति, मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। अभी नहीं, वरना सब चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा। रामू रॉन्ग नंबर। ये रॉन्ग नंबर क्या है? भैया ने फोन क्यों रख दिया? हेलो 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 हेलो, यही है रॉन्ग नंबर। कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? आज सुबह से ही रॉन्ग नंबर लग रहा है। अरे हाँ, आज सोमनाथ से पैसा वसूल करना है ना? अरे हाँ, अच्छा वो जो तूने याद दिला दिया,
अपन तो भूल ही गया था। और एक बात है सरकार। वो क्या? ओ नकली, अब असली जिम्मेदार बन बैठा, इसलिए थोड़ी सी रकम और क्यों ना बढ़ा दी जाए। हेलो हेलो हेलो, आजकल के बच्चे तो बड़ों के भी खान खाटेंगे। आशे तू अपन का सेक्रेटरी जर्नल। पिताजी। बोलो बेटी। आपके पास ये माजी बैठी है, आप इन्हें बहुत चाहते हैं? कभी चाहता था। माँ आपको छोड़कर चली गई? नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? शांति, फिजूल के सवाल नहीं किया करते, जाओ अपना काम देखो। नाराज हो गई? नहीं पिताजी, इस लौ खुश कहानी में मुझे एक संदेह, आप बुरा ना माने तो। पूछो पूछो बेटी। राम ने सीता को वन भेज दिया, क्या ये राम की गलती नहीं थी? मेरी माँ कहती है कि सीता का दुर्भाग्य था, हमारे मास्टर जी कहते हैं कि राम ने सीता को छोड़कर ऐसा अपराध किया कि उन्हें कभी नहीं माफ किया जा सकता। आपका क्या विचार है? अपराध किसका है कौन जाने। इसका मतलब आपको सीता वनवास की कहानी मालूम ही नहीं। मालूम है बेटी, लेकिन समझा नहीं। मैं समझाऊंगी। सुनो 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 सुनो, thank you.
विश्वास किया पर राम ने देर लगाई, राम ने देर लगाई। सीता लाज के मारे इस धरती के बीच समाई, धरती क्यों बैठो? अरे रे 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 रे। क्या नाम है तुम्हारा? रामू। रामू बहुत अच्छा गाते हो, हैं? ये लो मिठाई खाओ। पहले आप। मैं? मुंह खोलिए। ये लो तुम भी खाओ। खोलो 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 खोलो। शाबाश। ये आपकी बेटी है? हाँ हमारी बेटी है। अरे मैं तो भूल ही गया आपकी चिट्ठी। चिट्ठी? ये मेरी नहीं है, ये साहब ऊपर रहते हैं। माफ कीजिए मैं समझा आपकी है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। क्या है? आपकी चिट्ठी। किसने भेजी है? ठेकेदार ने। ठेकेदार ने? देता हूं अभी आया, अभी देता हूं। जल्दी कीजिए मुझे जाना है। आप सबके मन की बात जानते हैं, मेरी इच्छा पूरी कर दो। जय बजरंग बली। मेरे लिए इतने गहने पहन रखे हैं भगवान।
तेरा बदन सोने से पीला हो गया है, तू कितनी सुंदर लग रही है। तेरा मर्द तुझे देखेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये आपको क्या हो गया है? भगवान के लिए ऐसा मजाक मत कीजिए। भगवान के लिए क्या हो गया है? आप बोलते क्यों नहीं? आपको क्या हो गया है? बोलिए ना, आपको क्या हो गया है? करने लगे, मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूं? भाई साहब, न जाने ये क्या हो गया है, जब से घर आया बंदर की तरह हरकत कर रहे हैं। किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया इन पर? घबराओ नहीं, अपना भी पता करता है। मुनीम साहब भगवान के गहने लाए। आप भी काम से गए, आए थे इस हालत में। शमशा मुनीम साहब, ये सब नाटक इसीलिए कर रहे हो ना कि अपन तुमसे भगवान के गहनों के बारे में ना पूछें? अपन पर हाथ उठाया तो सरकार, ये तो सचमुच पागल हो गया। चिंता ना करो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा, ठीक हो जाएगा। मुनीम, तुमने जरूर किसी के साथ धोखा किया है, उसी का ये नतीजा है। ओ हेलो हेलो हेलो, आइए आइए जमींदार सोमनाथ के दामाद। ओह सॉरी सॉरी, नकली जमींदार के दामाद। बहुत दिनों के बाद पधारे, लगता है शुदा से शादी तुम्हें राश आ गई। क्या राश आई? फंदा डाल दिया है आपने मेरे गले में। जब भी सोमनाथ से पैसे मांगता हूँ, कहाँ से दूँ कहाँ से दूँ, यही राग आलाप में लगता है ससुरा। मोहन, गन्ना मीठा है तो उसकी जड़ भी खा लो, किसने कहा? लेकिन मैं अपने खर्च के लिए कहाँ से लाऊं? और आपने भी तो अभी तक मेरा हिस्सा नहीं दिया। शादी पर 1 लाख दिलवाया था ना? वो तो दहेज था, हिस्सा नहीं। अच्छा, हिस्से के लिए तुमने ऐसा कौन सा तीर मारा? शेखर के मन में शक पैदा करने के लिए लक्ष्मी को फोन किसने किया था? तुमने अपनी जान को जोखिम में डालकर रात को शेखर के कमरे में कौन गया था? तुम मेरे हाथ का खिलौना, दिमाग मेरा था, अमल में तू लाया। ठेकेदार साहब, आप मेरा हिस्सा हड़पना चाहते हैं, याद रखिए आपके बाप ही आपको सजा देंगे। पतिव्रता लक्ष्मी की आहों की आग भस्म कर देगी आपको। बाप का हिस्सा मांगता है और पुण्य की बात करता है, किराए का तत्व, किराए का तत्व। तुम मत हिला, ज्यादा बोला तो टिक्की में सुला दूंगा। Thank you.
कहना मालिक की सरासर गलती है। आपने कोई मामूली काम नहीं किया, पति पत्नी को एक दूसरे से अलग किया और वो भी राजा साहब के घर में जाकर। अगर पकड़े जाते तो जेल की हवा खाते। मोटू ठेकेदार का बच्चा बेवकूफ, नहीं समझता। तुम समझदार नजर आते हो, देखना कान की स्कर्ट। क्या कहा? कहते हैं कि चट्टी की अकल मारी जाती है। मेरी अकल मारी गई, मुझे भी अकल कहता है। मैं और आपको बेवकूफ कहूँ? समझे नहीं आप? मेरा मतलब है कि लोहा लोहे को काटता है। क्या मतलब? साफ साफ कहे। हमारी मालिक की बेटी है ना? है। उसकी शादी हो गई? हो गई। जानते हो वो कहाँ है? दिल्ली में। आप भी खूब है, सब कुछ जानते हुए खामोश बैठे। अबे फेरिया मत बुझा। शेखर और लक्ष्मी को जुदा करने के लिए आपने क्या किया? दो तीन बार फोन किया और नतीजा ये हुआ कि शेखर के दिल में शक पैदा हो गया। फिर उसके कमरे से ऐसा भागा कि शेखर देख ले, बस किस्सा खत्म। इसे फिर दोहरा दीजिए। आप समझ में आया? अरे यार तुम तो बहुत होशियार निकले। कल ही फोन करूंगा। कल क्यों, आज ही? शुभ काम में देर नहीं किया करते। हेलो 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 रॉन्ग नंबर। शांति शांति, रॉन्ग नंबर नहीं, मैं रामू बोल रहा हूँ। ओ रामू, मैं समझी ठेकेदार बोल रहा है। क्या खबर है? हम बहुत जल्दी अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। कैसे? मोहन नाम का एक आदमी हाथ में आ गया है, उसे मोहरा बनाकर चाल शुरू कर दी है। रामू, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? अच्छा अच्छा समझी। ऐसी खबर सुनाने में शर्म क्यों? तेरे पिताजी सुनेंगे तो खुशी से फोन उठेंगे। ले, तेरे पिताजी आ गए। ओ हेलो हेलो हेलो। अरे लता बेटी, तू कब आई? सुबह ही आई है। देखो जी, दामाद को वापस अमेरिका जाना था इसलिए चुपचाप शादी कर दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार तो खूब धूमधाम से जश्न मनाना चाहिए। क्यों, क्या बात है? इसलिए कि आप नाना बनने वाले हो। हा? और तुम नानी? अरे मेरी बेटी ने तो मुझे बताया ही नहीं। सेक्रेटरी अखबारों में छपवा दो, भिजवाओ, जश्न धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है पिताजी। मैं डूब मरूंगी पिताजी, मैं डूब मरूंगी। क्या बात है? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तुझे घर से निकाल दिया? सर्वनाश हो गया। लेकिन बेटी ऐसा क्यों, क्या गलती हो गई तुझसे? वो कहते हैं मेरा होने वाला बच्चा उनका नहीं, ये पाप की निशानी है। क्या? भगवान की कसम, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। इस झूठे लांछन को सुनकर मैं अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए मैं जिंदा हूँ। लेकिन बेटी तुझ पर ये शक क्यों हुआ? किसकी वजह से? कौन है वो? मोहन। कौन? अपना मोहन? वो वहां क्यों गया था? दो चार बार मिलने आया था। आया तो क्या हुआ? वे नाराज हो गए। कोई रिश्तेदार मिलने आए तो इसमें नाराज तो नहीं, क्या बात है? दो बार फोन किया। किया तो? एक बार उन्होंने खुद फोन उठाया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो अनजाने में कोई गलती की होगी, लेकिन आपने, आपने तो सपने में भी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुराई नहीं की। भगवान जानता है इस बात को। Thank you.
दूसरों को रोना आता था, रोना नहीं। आज मेरे पाप मुझे रोना सिखा रहे। आपका जवाई ने मोहन के वजह से आपकी बेटी को घर से निकाला। अगर जवाई के सामने मोहन से सच्ची बात करवा दे तो? बिल्कुल ठीक। मोहन को रुपए की जरूरत है, उसे मुंह मांगा रुपया देकर उससे सच उगला लूंगा। बेटी जवाई कहाँ है? राजा साहब के स्टेट बंगले में। स्टेट बंगले में? अच्छा जी, कह दूंगी। किसका फोन था बेटी? कोई राजा कमलाकांत बोल रहे थे, स्टेट के बंगले में ठहरे, फौरन आपको बुलाया। पिताजी वो कौन है? बेटी वो मेरे पिताजी हैं। पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। हाँ चलो आओ। क्या है? ठेकेदार साहब ने इसी समय आपको स्टेट बंगले में बुलाया, जल्दी चलिए। ठेकेदार साहब ने बुलाया? चलो 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 बेटा चलो। जवाई राजा तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो। जमाई राजा आपकी बदचलन बेटी को घर में रख लूं तो इंसाफ होगा? देखो जमाई राजा मेरी बेटी देवी है, पतिव्रता है। उसके ये गुणगान अपने दामाद मोहन के सामने करो, उसी के साथ उसकी गृहस्थी बसने दो, मुझे झूठ नहीं चाहिए। ऐसा मत कहो जमाई राजा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। उस मोहन को तो मैंने पाला पोषा है, मेरे घर में छोटे से पड़ा हुआ है, वो तो भाई बहन जैसे है, भाई बहन जैसे। दादा बेटी इधर आउट। आप तो मोहन रात में 4 बजे फोन करता था। वो तो मैंने ईश्वर आदि कुछ जानने को कहा था। एक बार मैंने फोन उठाया, उस वक्त उसने जो कुछ कहा वो भी कहने के लिए आप ही ने कहा था। जवाई राजा ऐसा छूटा ऐसा मत कहा। मेरी गैर हाजिरी में मेरे बेडरूम में दाखिल हुआ वो भी आप ही ने कहा था। उन दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया, ये करने के लिए भी आप ही ने कहा था। जवाई राजा चिल्लाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो जमाई राजा कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। मेरे देखे और सुने को धोखा कहते हो? हाँ जो कुछ तुमने देखा वो सब धोखा है, मैं भी साबित किए देता हूँ। अरे शोमना जी अच्छा होगा आप मौके पर आ गए। ये राजा कमलाकांत जी के दूर के रिश्तेदार हैं, शेखर और लक्ष्मी को जुदा कराने के लिए ये मेरी मदद मांगने आए थे। क्यों सच है ना? सच है। अरे आओ आओ मुनीम, इसी ने हमारी शोमना जी से मुलाकात करवाई थी। हाँ इसी मोहन ने शेखर की मौजूदगी में लक्ष्मी से टेलीफोन पे बात की। इसे मैंने बंद कमरे में आपकी बेटी के साथ देखा है। शेखर ने भी अपनी आंखों से देखा था, उस रात मोहन को मैंने ही लक्ष्मी के बेडरूम में भेजा था। इस मुनीम ने शेखर की गैर मौजूदगी में मोहन को वहां तक पहुंचाने में मदद की थी, लेकिन वहां पर कोई पाप नहीं हुआ। जवाई राजा जिस तरह शेखर ने लक्ष्मी को घर से निकाल दिया उसी तरह तुमने मेरी बेटी को निकाल दिया। जानते हो वो लड़की कौन है? नहीं, उसे वहां से हटाना ही मेरा काम। वो मेरी बहन है, वो मेरी पत्नी है। वो मेरी बहू है। ना जाने तूने कितने घर बर्बाद किए होंगे। बदमाश शैतान! मैंने तुम्हारी भगवान की तरह पूजा की, लेकिन अब तुम्हारी सूरत देखना भी पाप है। शेखर लक्ष्मी पतिव्रता है, निर्दोष है। ये साबित करने के लिए हम सब ने मिलकर ये नाटक रचा। छोटा होते हुए भी हमारे रामू ने अकल और धीरज से काम लिया, ठेकेदार के नौकरी करके उसके सारे राज जान लिए। लक्ष्मी मेरे देवता। लक्ष्मी Thank you.
समझ में नहीं आता क्या किया जाए। हनुमान जी ने आकर हमारे रामू की जान बचाई। जय बजरंगबली। जाको राखे साईया मारी न सके को बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। Mm-hmm.